अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फिसागोरस के मसले का एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 5। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 को शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक मसला मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मसला देखेंगे क्या है, ये सवाल नंबर 5 के अंदर ये मसला इस्तेमाल होगा। कौन सा मसला है? 45-45-90 का मसला इस्तेमाल होगा। अच्छा, 45-45-90 कैसे पहचानेंगे? अगर हमको शक्ल के अंदर दो ज़िले बराबर दिया, देखो दो ज़िले बराबर है ना, ये दोनों ज़िले बराबर है। अगर दो ज़िले बराबर है तो ये जाविया कितना रहेगा? 45 रहेगा और ये जाविया भी कितना रहेगा? 45 का ही रहेगा, याद रखना। अगर दोनों ज़िले बराबर है, अगर ये भी साइड दे के रखा है 3 और ये भी साइड दे के रखा है 3, तो समझ जाओ ये जाविया कितना रहेगा? 45 और ये जाविया भी कितना रहेगा? 45, ये याद रखना। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखेंगे, अगर मेरे को जिला निकालना है, 45 के सामने वाला जिला क्या दे रहा है? PQ ना, तो PQ की कीमत क्या होगी? PQ क्या होता है? बराबर होता है और वो क्या होता है? 1/जजर्द होता है। क्या होता है? 1/जजर्द किसका होता है? वित्र का। वित्र का यहां पर PR है, तो पर हम क्या लिखेंगे? जरब। क्या लिखेंगे? PR। यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद अगर मैं ये इसकी वैल्यू निकालूं, ये जो याला जो जाविया दे रहा है, इसके ये जाविया के सामने वाला मुकाबिल का जिला क्या दे रहा है? QR दे रहा है। देखो, इसके मुकाबिल का बोले याला जिला दे रहा है ना, याला जिला क्या दे रहा है? इसकी कीमत क्या हो जाएगी? QR की कीमत क्या होगी? QR क्या होता है? बराबर होता है और वो भी क्या होता है? हाफ, 1/जजर्द होता है। हाफ नहीं, 1/जजर्द हो, 1/जजर्द होता है। किसका होता है? वित्र का। वित्र क्या? यहाँ पर PR। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? PR। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 5। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या था? शक्ल 2.20 में दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। हमको अमली काम क्या करना है? मुकम्मल करने का है। एक बात बताओ, देखो यहाँ पर आपस से दिया है ये ज़िला और ये ज़िला आपस में क्या है? बराबर है। देखो ये दो लाइन और ये दो लाइन, मतलब ये ज़िला और ये ज़िला आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये बराबर है तब ये जाविया कितना आ जाएगा? 45। इससे पहले अभी मैंने वही डिस्कस किया है, ये 45, तो ये भी कितना आ जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि दोनों ज़िले क्या आपस में बराबर है, इसलिए। आगे देखेंगे, ए भी बराबर है बी सी के। देखो ए बी बराबर है किसके? बी सी के। तुमको तो क्वेश्चन के अंदर ही दे के रखा है ना, इसलिए उसके आगे हम क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। उसके बाद अब देखो, इसलिए अब जाविया दे रहा है, जाविया बी ए सी, बताओ कितना है जाविया बी ए सी? बी ए सी, जब ये जिला बराबर तो जाविया ऑटोमेटिक कितना आएगा? 45 आएगा। जाविया ए देखो बीच में आ रहा है ना, बी ए सी बोलो या फिर सी ए बी बोलो, बात देखिए, तो जाविया कितना दे रहा है आपको? 45। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 45। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके अंदर हमको रूल अप्लाई करना है जो अभी हमने पिछला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ए बी बराबर था किसके? बी सी के। ए बी बराबर था किसके? बी सी के। किसके बराबर होता है? 1/जजर्द। 1/ क्या आएगा? जजर्द है ना। ए बी बराबर है बी सी के, बराबर ना। इसके सामने वाला जिला क्या हो जाएगा? ए बी 1/जजर्द। जरब क्या होता है? जरब क्या होता है? वित्र का। वित्र क्या है? ए सी है। अगर तुम ये लेंगे तो क्या जाएगा? बी सी। बी सी का क्या होगा? बी सी भी क्या होगा? 1/जजर्द होगा। जरब क्या होगा? ए सी का होगा। तो वहाँ पर हमने लिख दिया 1/2, 1/जजर्द, जरब क्या होगा? ए सी। ये दोनों की कीमत एक ही जैसी रहेगी। आगे देखेंगे, उसके बाद 1/जजर्द को हम ऐसे उतारते हैं, 1/जजर्द। ए सी की कीमत आपको दे के रखी है, ए सी की कीमत आपको दिया है सवाल में, दे के रखा है 8 दिया है। यहाँ तक समझ में आया? ये आपको 8 दिया है, तो यहाँ पर देखो ए सी है ना, यहाँ पर ए सी है और ए सी की जगह पर हमने कितना लिखा है? 8 लिखा है। उसके बाद ये देखो 1/जजर्द को हम ऐसे उतार रहे हैं। अब देखो इसको टुकड़े किया है, जजर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? जजर 8 को 4 × 2 लिख सकता है ना, 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जजर 4 के लिए जब बाहर आएगी तो क्या जाएगा? 2 जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा, 2 अंदर ही रहेगा। तो क्या आंसर आएगा? 2 × 2। यहाँ पर देखो 2 × 2 आया। देखो ये जजर 2 और ये जजर 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ पर कैसा है? 1/जजर्द है और जरब वहाँ पर क्या है? 2 × 2 ऐसे दिया ना, तो ये जजर 2 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा? खाली 2 बचा ना, 2 को 1 से जरब करिए तो कितना आंसर है? 2 × 1 = 2। तो वहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इसे हल करना था। अगर आप इसके लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या दिया है? देखो ये जो शक्ल है मैंने अपने से बनाया है, शक्ल क्वेश्चन के अंदर आपको शक्ल नहीं दी हुई है। यहाँ देखेंगे, एक मुरब्बे की वित्र की लंबाई,
एक मुरब्बा है, पी क्यू आर, मुरब्बा की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे ज़िले क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर मान के चलो ये लंबाई अगर दो दे रहा है तो सब लंबाई कितनी रहेगी, दो दो की रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब चारों ज़िले क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आगे देखेंगे, और मुरब्बे की वितर की लंबाई कितना दे रहा है आपको, 10 सम दे रहा है, ये वितर है। देखो अगर ये बनाऊंगा फीसागोरस, दिखाई दे रहा है ये 90 बन रहा है यहाँ पर, तो फीसागोरस, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये आपको वितर दे के रखा है, कितना दिया है 10 सम दिया है। इसके ज़िले की लंबाई, मतलब इसके ज़िले की लंबाई, ये पूरी लंबाई, और अहाता मालूम कीजिए। अहाता मतलब क्या होता है, अगर तुमने एक ज़िला मालूम कर लिए, एक ज़िला मालूम कर लिए तो यहाँ पर कितने ज़िले, चार ज़िले, चार से ज़रा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, अहाता मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखेंगे, तो सबसे पहला इसके अंदर आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो अगर ये ज़िला बराबर है तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो आप 45 90 के थ्योरम से भी हल कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स और इसको एक्स फर्स्ट करके हम क्या करेंगे, फीसागोरस लगा देंगे, तो हम फीसागोरस इसके अंदर हल करते हैं। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से हम सीधा हल शुरू करते हैं। हल क्या दिया है, हल के अंदर क्या आएगा, देखो ये हमने शक्ल को अपने अपने से बनाया है ना, तो इसलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। फर्ज किया कि पी क्यू आर एस एक मुरब्बा है, फर्ज किया कि पी क्यू आर एस एक मुरब्बा है। यहाँ तक समझाना, फर्ज किया कि पी क्यू आर एस एक क्या है, मुरब्बा है। अगर वो मुरब्बा है तब देखो ये आला मुसल्लस, देखो पी क्यू आर दिखा दे रहा है, ये पी क्यू आर यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। 90 मतलब क्या, कायमा जाविया, यहाँ पर ये आला जावी बीच में कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैं मुसल्लस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर में ये जाविया क्यू, ये आला जावी बीच में कैसे आएगा, याले मुसल्लस के अंदर पी क्यू आर जाविया पी क्यू आर बराबर होता है किसके, 90 के। यहाँ तक समझ में आया? अगर वो 90 है तब देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, पूरे ज़िले को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी एक्स लेते हैं, क्योंकि हमको ज़िला मालूम करना है ना, तो ज़िले को हमको क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, और ये भी क्या जाएगा, एक्स, और ये भी क्या जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये आर क्यू दिखाई दे रहा है, आर क्यू किसके बराबर है, आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू, और पी क्यू भी किसके बराबर है, पी एस के। तो अपन हम लिख सकते हैं ना पी एस, और पी एस किसके बराबर है, एस आर के। तो अपन हम क्या लिखेंगे, एस आर। और चारों के जिलों को हमने क्या फर्ज किया है, एक्स फर्ज किया है। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, फर्ज किया गया है चारों जिलों को हमने क्या फर्ज किया है, एक्स फर्ज किया है। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखेंगे, अब हम इसके अंदर फीसागोरस का मसला लगाते हैं। तो 90 के सामने वाला जिला क्या होता है, वितर होता है, वितर का मुरब्बा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी आर का मुरब्बा बराबर होता है किसके बराबर होता है, आर क्यू का मुरब्बा, फिर प्लस क्या जाएगा, पी क्यू का मुरब्बा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीसागोरस का मसला। आप ये शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया है? आगे देखेंगे, अब वैल्यू पुटअप करो, पी आर कितना दिया आपको 10 दिया है, तो ये 10 है, ऊपर क्या दे रहा, मुरब्बा है, तो यहाँ पर मुरब्बा जाएगा बराबर। आर क्यू कितना है, आर क्यू को हमने क्या फ़र्ज़ किया है, देखो ना आर क्यू पूरे ज़िले को हमने क्या फ़र्ज़ किया, एक्स ना, यहाँ पर हम क्या लिखें, एक्स, लेकिन उसके ऊपर मुरब्बा है तो यहाँ पर आएगा मुरब्बा, ये प्लस। और पी क्यू को भी हमने क्या फ़र्ज़ किया सबको, एक्स ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स, ऊपर क्या है, मुरब्बा। अभी दोनों को जमा कर दो, 100 का मुरब्बा क्या जाएगा हमारा, 10 का मुरब्बा क्या जाएगा, 100, ये बराबर। ये दोनों को जमा करूँगा तो क्या जाएगा, वो 2x² हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की कीमत निकालनी है ना, तो इसके साथ में दो क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है। ये दोनों के बीच में कोई अलामत नहीं तो ज़रब रहेगा, ज़रब तो क्या करेगा, तकसीम करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, बटे, यहाँ पर ये ज़रब कर रहा है तो नीचे आएगा तो क्या आएगा, तकसीम, और वहाँ पर क्या बचेगा, x². दोनों को तकसीम करो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और ये 0। यहाँ पर क्या बच जाएगा, नीचे का मतलब कुछ नहीं, तो 50 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, x², ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसको हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x² = क्या आ जाएगा यहाँ पर, 50। यहाँ तक समझ में आया? अब हमको पता है मुरब्बा हटेगा तो किस में चले जाएगा, जजर में। यहाँ देखेंगे, जब मुरब्बा हटेगा तो किस में चले जाएगा, जजर में चले जाएगा। तो वहाँ से मुरब्बा हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आएगा, 50। 50 का जजर आता है क्या, नहीं, तो 50 को हम क्या कैसे टुकड़े कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक्स बराबर 25 जरब 2। 25 दूनी क्या होता है, 50 होता है, जजर 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो जब वो बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 होएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, 2। ये हमको एक ज़िले की लंबाई मिली, तो आप लिखूँगा मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई कितना है हमको, 5 जजर 2 है। लेकिन
अब हमको क्या मालूम करना, अहाता मालूम करना है ना। तो अहाता का एक जाप्ता होता है, क्या होता है, मुरब्बे का अहाता, मुरब्बे का अहाता बराबर होता है, क्या होता है, चार। ये चार क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर कितने सिले, चार ना, चार को किससे ज़रब करूँगा मैं, 4x लिख दो, ये दोनों के बीच में ज़रब की अलामत रहेगी, ये बराबर, ये चार ऐसी रहेगा, ये दोनों के बीच में ज़रब, x की वैल्यू कितनी आई आपको, 5 जज़र दो, अब ये दोनों का आपस में ज़रब कर देंगे तो चार पंजे कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जज़र दो। हम यहाँ पर लिख सकते हैं मुरब्बे का अहाता कितना है, 20 जज़र दो है। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसके बाद का जो क्वेश्चन बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।